चंडीगढ़ में आज से 49वां रोज़ फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। ये रोज़ फेस्टिवल एक तरह से औपचारिक रोज़ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अधिकारी का ये कहना है कि ये रोज़ फेस्टिवल फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित करने के लिए एक तरह से डेडिकेट किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं चंडीगढ़ के काउंसलर और जो चंडीगढ़ के मेयर हैं और आला अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है। देखिए, पिछले एक साल से कोरोना बहुत ही तराई तराई मचा दिया है। सब लोग परेशान है, दुखी है, त्रस्त। अभी बहुत मुश्किल से इसका ऊपर थोड़ा कंट्रोल पाया गया है और हमारा एक्सपर्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर लोगों ने बढ़िया सा वैक्सीन निकाल दी है, इसलिए थोड़ा सा राहत की समय है। इसी राहत की भावना को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए, फिर से फ्रेशनेस और फ्रेग्रेंस और पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रयास जो है ये सराहनीय है। इनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये सारे क्राइसिस में जहाँ लोग टेंशन में है उनको दूर करने के लिए थोड़ा सा प्रकृति का प्रभाव से ये मन का परिवर्तन करने के लिए ये जो प्रयास है उत्तम है। देखिए, इस बार का जो रोज़ फेस्टिवल है वो हमने कोरोना वॉरियर को डेडिकेट करा है कि जिन लोगों ने जो ऐसे समय में जब इस महामारी ने एक बहुत भयंकर रूप लिया था, उस समय में पूरा शहर जब पूरा देश इसकी चपेट में था, तो उस समय पे भी वो लोग नीचे ज़मीन पे आके उन्होंने बाहर आके शहर की जनता के लिए, उन गरीब लोगों के लिए काम करा। तो इस बार हमने डेडिकेट उन लोगों को ही करा है जो हमारे एम्प्लॉइज़ थे या RW जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनको इसमें हम सम्मानित करेंगे। मैम, आपका नाम? ज्योति। ज्योति, अगर हम रोज़ फेस्टिवल की बात करें, 49th ये आज के रोज़ फेस्टिवल है और जो पुराने रोज़ फेस्टिवल है, तो कितना फ़र्क लगा आपको? काफ़ी फ़र्क है, एज इन की जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के लिए प्रोग्राम है, जो कि बहुत अच्छी बात है एक उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी सक्सेस को, उनके इतने डिटर्मिनेशन को, इनकी स्ट्रगल को, तो दैट्स वेरी नाइस। बट क्राउड बहुत कम है पहले से, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कोरोना वायरस हम जिससे सफ़र कर रहे हैं सारे, वो प्रिकॉशंस वगैरह ली गई हैं सारी अच्छे से। सर, 49th रोज़ फेस्टिवल है, तो कैसा लगा जितना भी आपने अभी देखा? जी, वैसे रोज़ फेस्टिवल तो इस बार भी डेकोरेटेड पहले की तरह ही डेकोरेशन है, लेकिन जिस तरीके से गैदरिंग जैसे पिछले सालों में हुआ करती थी जब कोरोना काल नहीं था, तो उस चीज़ की कमी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पहले जो यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ करते थे विदाउट प्रायर टू, वाली बात नहीं है, पुरानी वाली बात इस बार नहीं है। फेस्टिवल की तैयारी तो ठीक है, इन लोगों से जितनी हो सकती थी उतनी उन्होंने की है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए इन्होंने जो जो चीज़ें अवॉइड की है, खैर वो सेहत के लिए अच्छी भी है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए भी है, लेकिन मतलब वो चीज़ नहीं है जो पुराने सालों में हुआ करती थी। इस बार के रोज़ फेस्टिवल में जो चंडीगढ़ की जनता है वो अधिकतर गुलाब नहीं देख पाएगी, क्योंकि इसमें खासियत ये हुआ करती थी कि जगह जगह से गुलाब आते थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से बंगाल और अलग अलग जगहों से जहाँ से भी गुलाब आते थे वहाँ से कई किस्में इस बार नहीं आ पाई हैं और वहाँ पर भी ये किस्में उग नहीं पाई हैं। लेकिन इस बार जो देखने को मिलेगा इसमें कि कई प्रोग्राम है जो कोरोना काल की वजह से उनको नहीं की करवाया जाएगा, और जो सम्मान की बात करें, जो सम्मानित जिन्हें किया जाएगा, तो उसमें कोरोना काल में जो जिन्होंने फ्रंट लाइन में आकर जिन्होंने सबसे पहले आकर काम किया था उनको इस रोज़ फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।